नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। लखीमपुर खीरी में समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश के तहत जिला स्तरीय 3 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने फीता काटकर किया। जीआईसी में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी आयोजन में जिले भर के 77 विद्यालयों ने हिस्सा लिया। विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान से संबंधित तरह तरह के प्रोजेक्ट के स्टॉल लगाए गए। डीएम ने स्टॉल का अवलोकन कर मौजूद छात्र छात्राओं से प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी लेकर उनका उत्साहवर्धन किया। डीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि इन प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाता है, उनकी सोच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। बचपन से ही बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में अभिरुचि पैदा करें ताकि वह आगे चलकर भारत के सुनहरा भविष्य बने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट के दिखाए, जिसमें कि सारी चीज़ें हैं उनको दिखाई गई, और साथ ही साथ आयोजन में 77 विद्यालयों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा करने और उसे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग लाने के लिए विद्यालय स्तर से लेके जिले स्तर पे और फिर स्टेट लेवल पे ये विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन हो रहा है। विद्यालय स्तर पे दिसंबर माह में हुआ है। अभी आज देख रहे हैं आप, अभी जिलाधिकारी महोदय ने जिले स्तर पे विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है और इसमें विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आए हैं जो विभिन्न प्रकार के विज्ञान से संबंधित मॉडल बनाए हैं। और इसमें से ये जो हमारे निर्णायक मंडल हैं उसमें से जो बेस्ट 3 होंगे जूनियर और सीनियर वर्ग, उन्हें नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा और प्रोत्साहन पुरस्कार भी 5-5 बच्चों को। उधर यूपी में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चोर आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कन्नौज के सिकंदरपुर से सामने आ रहा है, जहां चोरों ने एक एटीएम को ही अपना निशाना बना लिया और एटीएम से चोरी कर फरार हो गए। वहीं इस घटना पर पुलिस ने इनकार कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रप्रकाश सिंह फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रप्रकाश, क्या कुछ घटना है, किस तरीके से यहाँ चोरों ने एटीएम पर हाथ साफ किया और उसके बाद पुलिस आखिरकार क्यों इससे इनकार करती हुई नजर आ रही है? जी गौरव जी, आपको बता दें कन्नौज जिले में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी वानगी कन्नौज जिले के सिकंदरपुर में फिर एक बार देखने मिली। कन्नौज जिले में आए दिन लूटपाट, बदमाशी, आए दिन चोरी के बाद आज सिकंदरपुर में चोरों ने एटीएम में धावा बोलकर पुलिस ने कैश लूटे जाने की अभी तो फिलहाल इनकार किया है। वहीं एटीएम की खिड़की टूटी हुई मिली है। वहीं रात्रि गश्त की पुलिस की पूरी तरह से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। वहीं पुलिस सोती हुई नजर आ रही है और बदमाश एटीएम को लूटते रहते हैं और पुलिस सोती हुई नजर आ रही है। शिवराम और कोतवाली के सिकंदरपुर चौकी से चंद कदम दूर का मामला बताया जा रहा है। जी गौरव जी, तो क्या चंद्रप्रकाश, इस पूरी वारदात का कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ नहीं लगा? जी गौरव जी, आपको बता दें अभी तक सीसीटीवी फुटेज तो सामने नहीं आ पाया। फिलहाल वहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है, फिर इसके बाद जानकारी हो पाई। वही क्षेत्र अधिकारी मौके पर जांच कर रहे हैं, क्षेत्र अधिकारी को जांच मिली है, मौके पर जांच कर रहे हैं। फिलहाल जांच के बाद अभी ये खुलकर सामने आ पाया कि इसमें कितना टूटा जा चुका है और इसमें क्या है और सामने आएगा। और कन्नौज जिले में अक्सर ये चोरी की घटनाएं होती है, सिर्फ महज जांच के बाद ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। पुलिस प्रशासन आखिरकार क्यों विफल होता नजर आ रहा है, क्यों इनके आगे नतमस्तक है, ऐसी घटनाओं को, ऐसी वारदातों को और चोरों पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहा है पुलिस प्रशासन? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल तो इस तरह से है कि कन्नौज जिले की अगर बात करी जाए तो कन्नौज जिले में आए दिन चोरी लूट घटनाओं से बढ़ते अपराध की ओर बढ़ता जा रहा है कन्नौज। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए चंद्र प्रकाश। अगली खबर का रुख करते हैं। सहारनपुर से खबर है, जहां पर बेहट तहसील प्रशासन पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। जहां प्रशासन पर 132 की जमीन पर स्टोन क्रेशर लगवाने के साथ ही अवैध खनन कराने का भी आरोप है। वहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किए जाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। शिकायतों से तहसील प्रशासन की लापरवाही लगातार उजागर होती नजर आ रही है। जब इस संबंध में जिलाधिकारी सहारनपुर अखिलेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले को लेकर एसडीएम और तहसीलदार को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
का मामला यो है कि मतलब जितनी यहाँ ग्राम समाज जमीन है इनमें चोरी के खनन चल रहा, और मतलब वे चोरी के खनन करके वे तो अपना पूरा पाट दे, और हमारे जो बच्चे हैं गरीब सब, हम मतलब हमारे बच्चे हमारे सोहर सब गरीब जनता हम बिल्कुल परेशान है यहाँ। ये खनन मायापुर में हो रहा, शेरपुर पेड़ों में हो रहा, चारों तरफ हमारे खनन है रहा, और हेरा चोरी थे इस तरह नहीं हेरा कि मतलब खुली थे, अगर ये ठेका दिया जावे किसी को खुली थे, हमारे बच्चे भी सब रोजगार हो, सब अपना रोजगार करें। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हमारे सोरों को सब हमारे। उधर बिजनौर के बड़ापुर कस्बे में मकान की खुदाई में ब्रिटिश कालीन चांदी के सिक्के निकले। चांदी के सिक्कों को हासिल करने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं लोग सिक्कों को हासिल करने के लिए एक दूसरे से मारामारी भी करने लगे। बताया जा रहा है कि मकान की खुदाई में 50 से ज्यादा ब्रिटिश कालीन चांदी के सिक्के मिले हैं। तो बिजनौर की ये घटनाएं तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिक्कों को पाने के लिए जद्दोजहद में लोग वहां कर जुटे हुए हैं। तस्वीरें में इस चीज़ का गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश कालीन सिक्कों को पाने की होड़ लगी है। और ये सिक्का ब्रिटिश कालीन बताया जा रहा है। इस खुदाई के दौरान लगभग 50 से ज़्यादा सिक्के यहाँ बरामद होते नजर आए। उधर सहारनपुर के गांगो में बीते दिनों हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, और हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 10 जनवरी को एक अज्ञात युवक का शव गांगो क्षेत्र के एक खेत से बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक के हत्यारों का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि तीनों हत्यारे मृतक युवक के दोस्त हैं, जिन्होंने पैसे के लालच में आकर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और एक युवक से एप्पल कंपनी का मोबाइल, एटीएम और 3,000 रुपए लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया है और हत्या के आरोपियों को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उधर मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग पर दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 युवकों ने पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए बंद ट्रेन के फाटक को बाइक के साथ पार करने लगे, तभी दोनों युवक तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुरादाबाद से ये खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए 2 युवकों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और दिमाग के सोझबूझ से वो उस क्रॉसिंग को फाटक लगे हुए फाटक के नीचे होकर अपनी बाइक समेत निकलने की कोशिश करने लगे, जिसमें कि तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से दोनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बुलंदशहर में खुर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा गरीब कमजोर असहाय लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जहां 20 परिवार इस कड़के की ठंड में पॉलिथीन के घर में रहने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। एक और लोग ऐसी ठंड में घर से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं, तो वहीं 20 परिवार मासूम बच्चों के साथ पॉलिथीन को झोंपड़ी में रहने को मजबूर हैं। लेकिन अब गरीब परिवार प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई ना होने पर आत्मदाह करने की धमकी दे रहे हैं। बावजूद इसके खुर्जा विकास प्राधिकरण उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सत्यवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यवीर, क्या कुछ जानकारी है, आखिरकार लोग पॉलिथीन और झोंपड़ी में रहने के लिए क्यों मजबूर हैं इतनी ठंड में? देखिए बिल्कुल गौरव जी, आपको बताना चाहूंगा, बड़े खुर्जा विकास प्राधिकरण का मामला है, जहाँ पे लगभग 25 परिवार के लोग पिकनिक जाकर रह रहे थे, तो बता जा रहा है कि उनका जो कुछ लोग वहाँ मकान बना रहे थे, और जो जो केडी की तरफ विकास प्राधिकरण की तरफ से उन्हें जो है तोड़वा दिया गया है। जी किस तरीके से इन पर कार्रवाई की गई, क्यों तोड़वाया गया, कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल देखिए बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बता रहे हैं कि लोग 25-30 साल से वहां रह रहे हैं,
और ये वो ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास एकरा नाम है और बेनाम कागज भी हैं, तो ये एक बड़ा सवाल बनता है कि उनको जब सरकारी जमीन थी तो उन्होंने बेनाम करा किसने करा है, और आप बता दें कि इसमें जानकारी करनी चाहिए तो जो विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो कैमरे से बच्चे नजर आए। जी, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से ऐसे मामलों को संज्ञान में लिया जा रहा है, या फिर अगर बात करें क्षेत्र की तो क्षेत्र में कितने तादाद में इस तरीके के लोग जो है ऐसी ठंड में ठिठुरन में रहने के लिए मजबूर है? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से मान लो जिस तरह से कड़ाके ठंड पड़ रही है और ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, तो आपको बता दें जिस तरह से वो बेसहारा लोग जीवन यापन कर रहे थे, तो विकास प्राधिकरण तरफ से कार्रवाई की गई है, तो आपको बता दें कोई चीज साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि वो जब विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो कैमरे से बचते नजर आए हैं और उन्होंने कोई बात बताने से समझा नहीं है और वो फिलहाल जो है संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। जी सत्यवीर, वहां के जिस झोंपड़ी और झुग्गियों में रहते हुए जो लोग नजर आ रहे हैं वो उन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रुख है इस तरीके के हालातों पर? देखो उनका साफ तौर से यही कहना कि यदि प्रशासन के यदि जिस तरह से उनके पास जो अन्याय किया जा रहा है यदि कोई बात नहीं होगी तो वो आत्मदाह कर लेंगे, तो ऐसा वो कह रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कि जिस तरह से 25-30 साल हम यहाँ रह रहे थे और जिस तरह से हम जो जिस तरह से जीवन यापन कर रहे थे यदि किसी ने हमारी नहीं सुनी तो हम अब हम जो है आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। जी सत्यवीर, एक तरफ जो है सरकार केंद्र सरकार लगातार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को लोगों तक पहुंचा रही है और बीते दिन भी ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है लोगों को सुपुर्द की गई, तो ऐसे में क्या इन्होंने कुछ अप्लाई नहीं किया किसी तरीके का, इस तरीके का जो आवास इन तक पहुंचा जा सके, सरकारी सुविधा इनको मिल सके, योजना का लाभ इनको मिल सके? सत्यवीर देखिए बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हम बुलंदशहर गए हैं, मेरठ गए हैं और लखनऊ गए हैं और यहाँ तक वो ये भी बता रहे हैं कि जो हम मुआवजा दे रहे हैं वो 500 रुपए प्रति गज का हमें दे रहे हैं, तो लोग बता रहे हैं जिस तरह से हमारे पास 200 गज जगह है और 100 गज हमारी जो हम कर्जा की थी उसके बदले हम मात्र 10-10 गज जगह मिल पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा साल तो होता ही है क्योंकि जिस तरह से प्रशासन उनका अंधेरी कर रहा है और जिस तरह से जो विकास प्राधिकरण जो अधिकारी है उनका जो अन्याय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जब ये सवाल खड़ा होता है और फिलहाल वो अधिकारी लोग है वो किसी बात को जो है बताने को जो समझ नहीं पा रहे हैं और वो कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। जी अधिकारी कोई चीज साफ हो नहीं पा रही है। सत्यवीर, अधिकारी कैमरे से नजर बचते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन उनका भी तो दुखड़ा होगा जो लोग इसमें रहने के लिए मजबूर हैं, चूंकि लगातार जो ठंड का पारा है वो लगातार लुढ़कता जा रहा है और ऐसे में वो लोग अपने बच्चों के साथ में कैसे गुजर बसर करते नजर आ रहे हैं, क्या इस पर प्रधान की नजर नहीं पड़ी, प्रधान ने कोई जो सुविधा जो है सरकारी योजना का लाभ इन तक लाभान्वित नहीं करने दिया? देखिए गौरव बिल्कुल देखिए आपको बताना चाहूंगा जो विकास जो नगर पालिका तहत आता है खुर्जा के में, तो वहाँ पे जिस तरह से ये जो हालात बन रहे हैं तो ये बेसहारा लोग हैं जो भी गरीब तबके के लोग हैं जो जीवन यापन अपना जैसे जैसे कर रहे हैं, तो वहीं आप बता दें तो वो कर रहे हैं कि हम काफी लोगों के पास जा रहे हैं, अधिकारी लोगों के पास जा रहे हैं पर कोई भी अधिकारी हमारी बात को सुनने को राजी नहीं है। जी क्या ये जो है गरीबी रेखा के निचले वाले लोग हैं या ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये तस्वीरों से उलट जो अगर दूसरी तरफ की बात करें, दूसरे गांव की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर कितनी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि ये सरकारी योजनाओं से और इस तरीके के रहने के लिए मजबूर हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है? देखिए हाँ बिल्कुल देखिए ये 25-30 परिवार हैं जो कि वहाँ पे बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे बाग था जिसमें उन्होंने यहाँ रहे थे वो खाली जगह पड़ी थी और आज ये जो विकास प्राधिकरण जो अधिकारी बता रहे हैं सरकारी जमीनें, तो ये हमको पहले पट्टे कहाँ से हो गए या हमारे जो इकरारनामा कहाँ से हो गए, तो वो इस बात को लेके काफी अधिकारी पास जा भी रहे और आगे का उनको साफ तौर से यही कहना है गौरव जी कि वो आत्मदाह कर लेंगे और जो है सब बच्चों सहित आत्मदाह कर लेंगे जी, हमारी प्रशासन नहीं सुनी तब। सूबे के मुखिया लगातार जो है इस तरीके की सौगातें देने को लगे हैं, 2691 करोड़ की लगभग जो है कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात जो है उत्तर प्रदेश के वासियों को दी है, गरीब तबके के लोगों को दी है और जिसमें कि तमाम जो है वार्तालाप उन्होंने गरीब तबके से की है, जनता से की थी और उनको जो है वो सौगात दी थी, तो क्या ऐसे में क्या उनको इस तरीके की लोगों को ये पता है, उनको ये जानकारी है, क्या इतने लोग समझदार हैं कि उनको ये लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, उन्होंने कहीं पर भी दस्तावेज या नगर पालिका को या MCD को इस तरीके से अवगत कराया हो? देखिए वो बता रहे हैं कि जिस तरह से वो आए दिन इस तरह की जिस तरह से उनके साथ अत्याचार हो रहा था, जिस तरह से उनका ऐसा जो बेसहारा लोग हैं उनके साथ जो जिस तरह से सामने घटना आ रही है, तो काफी दिनों से घूम भी रहे हैं और इस चीज को
और एक बात सवाल ये होता है कि जिस तरह से अधिकारी कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं, यदि कुछ बताएं तो कुछ ना कुछ साफ हो पाएगा, फलक कोई चीज साफ नहीं हो पा रही है। और वो बता भी रहे कि मुख्यमंत्री पास हम गए तो वहाँ पे हमें जाने दिया है, वहाँ से हमें फटकार दिया गया है। जी क्या ये लोग जो है कभी विधायक क्षेत्राधिकारी और पार्षद के पास गए, अपना ज्ञापन सौंपा, अपना लिखित में कोई शिकायत पत्र इन्होंने दिया? देखिए बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं ये गरीब तबके के लोग हैं और ये जो है जीवन करने वाले, तो इन्हें इतनी नॉलेज भी नहीं है। और ये बता रहे हैं हम काफी अधिकारी के पास गए हैं पर आज तक हमारी किसी ने नहीं सुनी है, जिससे कि हम काफी परेशान हैं और उनकी कोई भी फिलहाल नहीं सुन पा रहे हैं, कोई किसी तरह के अधिकारी उनकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।